करता हूँ आपसे भी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में आपसे को बताने वाला हूँ कि कैनरा बैंक का अगर ऑनलाइन बैंकिंग आप यूज़ करते हैं और आपने हाल फिलहाल में अगर आपने ईमेल आईडी अपडेट किया है, चेंज करने की कोशिश किया है, तो आप सभी का ईमेल आईडी अगर अपडेट नहीं हुआ और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिलता होगा ओपन करते होंगे, तो ये एक नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन आप सभी को अगर देखने को मिलता होगा तो आप सभी परेशान ना हो, ये आपका वेरीफाई करने का नोटिफिकेशन है ईमेल आईडी को, ठीक है ना। और ये जब तक आप ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका ईमेल आईडी चेंज या अपडेट नहीं होगा, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ और इससे नुकसान जो हो रहा है वो भी बताने वाला हूँ, फ़ायदा जो होने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे हेल्पफुल अपडेटेड वीडियो आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मोबाइल को स्क्रीन पर आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं वीडियो पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं लॉगिन वाला ऑप्शन है, उस पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कैनरा ऑनलाइन बैंकिंग के नीचे, नेट बैंकिंग कैनरा, क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई ट्रेड ई इंस्टेंट एसी ओपन। तो हमें क्या करना है, नेट बैंकिंग कैनरा सेलेक्ट कर लेना है। हो सकता है गैज आप सभी का यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइड है वो ऑफ हो गया हो, तो इसको ऑन जरूर फिर से कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने डेस्कटॉप साइड ऑन कर लिया है, नेट बैंकिंग रिटेल पे हमें क्लिक कर लेना है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से जो इंटरफेस है चेंज हो चुका है, नया वाला इंटरफेस आ चुका है, ओल्ड वाला ख़त्म हो चुका है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखा है, दोनों वीडियो देखना है, जैसे कि फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करें या ईमेल आईडी कैसे अपना ऐड करें ऑनलाइन, तो उसके लिए वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके आई बटन में देख सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना बोला जा रहा है, वेलकम टू नेट बैंकिंग, यहाँ पे यूज़र आईडी आपको फिल कर देना, पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना, यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है सेम देखकर, और लॉगिन क्लिक कर देना है, ठीक है ना। आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ सारे डिटेल फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइस जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगर आप सभी ने ईमेल आईडी अपडेट या चेंज किया है तो इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा वेरीफाई ईमेल का, ईमेल आईडी इज़ नॉट अपडेट एंड वेरीफाइड विद कैनरा बैंक, यानी कि आपका ईमेल आईडी अभी वेरीफाई नहीं किया गया कैनरा बैंक के साथ। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई का प्रोसेस है, यहाँ आईडी जो होगा आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही एक नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पे ओटीपी आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आपको एंटर करके अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो चलिए हम वो एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ईमेल वेरीफाई रिक्वेस्ट मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे हमारा मेल आ चुका है और जो ओटीपी है यहाँ से हम ले लेंगे, मैंने प्राइवेसी इशू काफ़ी कुछ ब्लर कर दिया है, तो आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे जो ओटीपी है अपना ईमेल आईडी से ले लिया है, जो कि मैंने रजिस्टर किया था, ठीक है ना, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिया हमने, अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपसे को बोला जा रहा है कंफर्म करने के लिए, तो हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, हमारा ईमेल आईडी जो है सही है, आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर नॉर्मल ट्रांजेक्शन लिमिट विल बी अप्लीकेबल आफ्टर 24 आवर, यानी कि जो कि बताया जा रहा था आप सभी पढ़े होंगे कि कूलिंग पीरियड में 24 घंटे के लिए चला जाएगा, वो अब यहाँ पे 24 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो ईमेल आईडी है सब वेरीफाई कर लिया जाएगा, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन लिमिट है और नॉर्मल कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर में। अगर आप सभी अपना नेट बैंकिंग का अकाउंट ओपन कर रहे हैं इस तरीके का मेल आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने स्टेप्स बता दिए, इस तरीके से आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लीजिए। करता हूँ आपसे को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जैसे अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बन जाकर ऑल बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लीजिए। तो चलिए अगले वीडियो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नई जानकारी से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।